लेट सी टुडे हाउ वाटर क्रीमेशन टेक्स प्लेस, पानी से अंतिम संस्कार कैसे होता है, एक नई चीज़ आज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रीमेशन। क्रीमेशन यानी अंतिम संस्कार इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे होता है, इसे हम देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ और ये हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, इन्हें ज्वाइन करिए और UGC नेट की तैयारी अभी से ही स्टार्ट करिए। तो ये खबर कहाँ से स्टार्ट हुई, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन साउथ अफ्रीका आर्क बिशप डेसमंड टूटू डाइड ऑन 26th of December। ये आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। इन कीपिंग विथ हिज प्रो इन्वायरमेंटल बिलीव्स डेसमंड टूटू वॉज गिवन अ वाटर क्रीमेशन आफ्टर द फ्यूनरल। पानी वाला क्रीमेशन कैसे दिया गया, इसे क्यों इन्वायरमेंट फ्रेंडली कह रहे हैं, जब से इन्होंने इस चीज़ को किया है। ऐसा नहीं है कि ये करने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन जब से इन्होंने ये किया है ये एक बहुत बड़ी खबर हो गई है। और क्योंकि ये एक नोबल पीस प्राइज विनर हैं, इसलिए इन्होंने कुछ सोच के ही करा होगा। तो चलिए आज जानते हैं देन वॉट इज़ द एक्वा क्रीमेशन एंड हाउ इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। छोटा ही वीडियो रखेंगे हम और सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में। सो ही वॉज अ साउथ अफ्रीकन एंजलिकन बिशप एंड थियोलॉजियन। देखिए इनके बारे में मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, ही इज़ ऑलरेडी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नोबल पीस प्राइस कैपेसिटर। तो ये एक पहले से ही बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी हैं और इन्होंने किसके लिए काम किया है, एंटी अपार्थीड, और इन्होंने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम किया है। तो देखिए बहुत ही गरीब परिवार से थे और उसके बाद ये आर्क बिशप बन गए, यानी प्रीस्ट बन गए आप ऐसा समझ सकते हैं। और इन्होंने जो रेसिज्म होता है उसके खिलाफ भी बहुत सी चीज़ों में, आंदोलनों में काम लिया है। तो मेन चीज़ ये है कि ये जो हैं इन्होंने क्या किया था, जब इराक वॉर हुआ, जब पलस्तीन पे इसराइल अगर कुछ करता है तो ये उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते थे। लेकिन ये एक बहुत ही इन्वायरमेंटलिस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्यक्ति थे। इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए भी छोटा मोटा काम किया है। तो इनकी ये अंतिम इच्छा थी कि मेरी जब मौत हो तो वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिचुअल के हिसाब से हो। सो अकॉर्डिंग टू हिज लास्ट विश इट वॉज बींग मेड दैट हिज क्रीमेशन वुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो क्या है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दिस इज नोन एज एक्वा क्रीमेशन। एक्वा मीन्स वाटर एंड क्रीमेशन मीन्स फ्यूनरल या अंतिम संस्कार। तो एक्वा क्रीमेशन इज नोन एज वाटर क्रीमेशन और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक्वा हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एक एल्कलाइन सब्सटेंस को इस्तेमाल करेंगे। एल्कलाइन सब्सटेंस यानी KOH और NaOH, एसिड और बेस, आई एम श्योर आप सब ने पढ़ा होगा। उसमें क्या करते हैं, ये एक डिवाइस है और इस डिवाइस के अंदर हम क्या करते हैं, दिस डिवाइस इज फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हीटेड अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 160°C एंड द नेचुरल केमिकल्स। होता क्या है, इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं मेन हमारी बॉडी के, उसको डिसइंटीग्रेट किया जाता है, तोड़ा जाता है, नेचुरल डिकम्पोजिशन होता है। जो नेचुरल क्रीमेशन बर्निंग वाला होता है, जलाने वाला या दफनाने वाला, उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये कम ही टाइम में आपका क्या करता है, बॉडी को डिकम्पोज कर देता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें ऐशेज नहीं मिलते, अभी हम आगे बात करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसका होता, सबसे पहले इट वॉज being concluded for pet animals, जो pet animals होते थे जानवर, उनके लिए ये किया जाता था। और क्योंकि जब 100°C तक टेम्परेचर किया जाता है for 3 hours, then microbial, जितने भी microbes होते थे जानवर के, वो जो है ख़त्म हो जाते थे। तो ये जानवरों पे पहले उपयोग किया जाता था। अब बात करेंगे कि ये इंडिया में तो अभी बहुत ज़्यादा रेनाउंड नहीं है, बट इन फॉरेन नेशंस दे आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय प्राइवेट फर्म्स। जैसे आप देखेंगे बायो रिस्पॉन्स सॉल्यूशंस है, ये इनकी वेबसाइट है, और आप इसके अगर फ़ायदे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ ओवर 90% एनर्जी सेविंग। जब आप बर्न करते हैं तो आप फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और फॉसिल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो भी लकड़ी और तेल आप इस्तेमाल करते हैं उसकी बजाय ये 90% एनर्जी का कम इस्तेमाल करता है। नो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पहले हमने आपसे कह दिया। नो डायरेक्ट एमिशंस ऑफ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस और मरकरी। और 20% आपको ज़्यादा एशेज मिलते हैं बर्निंग, जो कि हिंदू माइथोलॉजी में होता है उसके अनुसार। तो ये एक्वा क्रीमेशन जो है, या एक्वा क्रीमेशन ये है, या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, या बायो क्रीमेशन भी इसे कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, बस इतना जान लीजिए कि ये इंडियंस के लिए एक बहुत ही
नई चीज़ है, लेकिन देखते हैं भविष्य में शायद कुछ बड़े बड़े लोग इसे यूज़ करेंगे तो ये क्रांति पैदा कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।